हाय गाइस मैं हूँ सुरफ़ी और मेरे चाहें पे आपका स्वागत है आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही डिफरेंट कलर की मेरे पास चूड़ियाँ हैं तो ये देखिए बहुत और डिफ इस का यूज़ नहीं हो रहा था बिल्कुल फिकने में जाएगी ये चूड़ियाँ और ये मेरे पास नेपकिन है और ये है मेरे पास दवाई के जो रेपर जो खाली होती है ये गोल है लम्बे तो मैं इससे कुछ डेकोरेट करूँगी न्यू अपनी वॉल डेकोरेट करूँगी अब बहुत ही खूबसूरत सा हमारा रंग बिरंगा सा होगा और ये मेरे पास है डिफरेंट कलर के ये रेशम के धागे के बने हुए रेड कलर के हैं मेरे पास ये ये मैंने अपने घर पे ही बनाए तो मैं फेविकॉल की सहायता से और ये ब्रश की सहायता से इसको पेंट करूँगी और ये फेविकोल फिक्स करने के लिए अच्छे से काम आएगा मैंने दो ये वाला फेविकोल भी यूज़ कर सकती हूँ कोई भी कर सकते हैं इसे गम तो लेकिन मैंने थोड़ी सी डिब्बी बड़ी थी खुली हुई थी मैंने उसका भी यूज़ किया है और ये इस तरह से मैंने नैपकिन में अब जो चूड़ियाँ हैं ये पुरानी हैं और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे ये गोल शेप में आ जाए इसे तो नेपकिन को अच्छे से देखिए मेरा नेपकिन थोड़ा वाइट कम है थोड़ा मैंने ये जो है नेपकिन का कलर तो सा क्रीम में है तो बहुत ही खूबसूरत सा क्रीम कलर आया है वाइट प्योर नहीं है जो घर पे था मैंने उसी का यूज़ किया देखिए इसमें बाहर से हमने कुछ नहीं खरीदा और ये फेविकॉल है ये भी बड़ा साइज बड़ा था खुला हुआ था ऑलरेडी तो इसलिए मैंने इसका यूज़ पहले कर लिया क्योंकि जो क्या फेविकॉल बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं सूख जाएंगे तो मेरे पास जो हाँ मैंने पहले उसका यूज़ कर लिया तो ये देखिए इस तरह से फ़िक्स कर लेंगे हम इसको तो ये पेपर है नैपकिन तो ये काफ़ी अच्छे से फ़िक्स हो जाएगा इसमें तो देखिए इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा दबा के जिससे गोल शेप अच्छे से आ जाए इसमें मैं ना सेलो टेप का भी यूज़ करूँगी फिक्स करने के लिए तो इससे अच्छा शेप आता है गोल का और मैं इस तरह से मैंने इसके चार पीस बनाए हैं आप अगर इसका अगर बनाते हैं तो बड़ा भी अच्छा लगता है मेरे को मुझे ना थोड़ा छोटे छोटे देने थे जैसे बॉल को बड़ा बड़ा लुक नहीं देना था छोटा सा लुक अच्छा सा आए फोर तो मैंने इसके फ़ोर पीस बनाए हैं तो ये देखिए इस तरह से फोर पीस के फिर हम इसको भी अगर मैं मैंने ना इसको दवाई के रैपर से ही डेकोरेट किया है वरना तो इसमें कुंदन के जो डिफ़रेंट कलर के आते हैं रेड कलर के ग्रीन आप उसका यूज़ भी बहुत सुंदर लगता है इस पर लेकिन मैंने इसका यूज़ ना करके जो मेरे पास पुरानी दवाई के रेपर हैं मैंने उसका ही यूज़ किया तो इस पर मैंने पेंट किया था रेड कलर का मुझे ना रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा जैसे एक्चुअली आप अगर रेड का और येलो का करते तो भी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आता है लेकिन मुझे ना येलो थोड़ा डल लग रहा था तो उस चक्कर में मैंने इसमें ये और कोई भी चीज़ हो देखी इस तरह से मैंने इसको मैंने रेपर को पहले कटिंग नहीं करी है तो इससे कि क्या होता कटिंग करते मेरा हाथ भी ख़राब होता और ऊपर से इसको पेंट करने में भी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती इसलिए पहले मैं पेंट करूँगी इसको कलर करूँगी उसके बाद ही मैं इसकी कटिंग करूँगी तो बहुत ही ईज़िली जो एक्स्ट्रा कटिंग वो होगा तो वो अपने आप अच्छे से कवर अप हो जाएगा तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली और गोल शेप गोल है तो मैंने इसकी गोल में ही कटिंग की है तो काफ़ी यूज़फुल रहा था क्योंकि मैंने इस तरह से इसकी कटिंग करी थी तो दवाई के कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती आप घर को सजाने के लिए किसी भी का भी हम यूज़ कर सकते ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे ही आपके पास कोई चीज़ हो तभी हमारा घर खूबसूरत लगे ऐसा नहीं है हम किसी भी चीज़ से को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फ़िक्स कर लिया ये गोल शेप में तो मैंने बीच में सेंटर में गम लगा के तो मैंने इसको इससे फ़िक्स कर दिया है तो बहुत ही खूबसूरत सा ये देखिए वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आया है इसमें इस तरह से ही मैं फोर पीस में भी मैं इसमें ही लगाऊंगी मैंने सबको एक ही कलर में ही दिया है और ऊपर से ग्रीन भी दूंगी मैं इसको जो मेरे पास दवाई के जो पुराने रैपर है उसको वो लंबा वाला है तो मैंने इस, तो मैं इस तरह से मैं इस तरह से लुक दिया है मैंने फोर का ही किया है बहुत ही खूबसूरत सा इसका डिज़ाइन आएगा तो ये देखिए गम की सहायता से हम इसको चारों को भी अच्छे से और ये मेरे पास लंबे हैं तो मैं इसको ग्रीन का पेंट करूँगी जो कलर किया है मैंने जिसे मैंने पहले कहा था उसका येलो का भी होता है वो भी अच्छा लगता है लेकिन मुझे थोड़ा सा और ब्राइटनेस देनी थी इस चक्कर में मैंने इसको ग्रीन का लुक दिया है तो हमारा बिल्कुल चीपेस्ट डेकोरेट हो जाएगा तो देखिए दवाई का रेपर खाली पड़े रहते हैं वो भी बेकार आ जाते फेंकने में जाते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होती न्यूज़पेपर नैपकिन हुआ नैपकिन यूज़ किया यूज़ नहीं किया तो वो भी हमारा फेंकने में जाता तो वो भी हमारे किसी काम का नहीं जाता अब वो चूड़ियाँ हैं हमारी डिफरेंट कलर की तो वो एक एक चूड़ी तो हमारे पहनने में नहीं आती तो हम उसको भी कुछ नहीं करते फेंक देते हैं तो हमारे किसी काम की वो भी नहीं है तो हमने बिल्कुल लो मतलब जो सामान हमारा बेकार फेंकने का था उससे ही हमने डेकोरेट किया है तो ये देखिए इससे मैंने सब सब में पेंट कर लिया है तो इस तरह से इसमें भी कलर करके तो मैं इसको इसे फाइव मैंने कटिंग करी है तो देखिए इस तरह से फूल की डेकोरेट बहुत ही खूबसूरत से देखिए वाइट रेड और ग्रीन तीनों कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है तो मैं गम की सहायता से इसे अच्छे से फिक्स कर लूँगी और बाकी के मैंने चार भी इस तरह से इसे फ़िक्स कर लिए हैं तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डेकोरेट तैयार हो जाएगा अब ये जो मैं फ़िक्स करने के लिए मैंने इसमें ना गम को मैंने इस तरह से लगाया है और मैंने सेलो टेप भी लगाया है क्योंकि अभी ये थोड़ा गीला था तो वो एकदम फिक्स नहीं हो पाएगा इसलिए मैंने इसमें पीछे से सेलो टेप लगा दिया जिससे कि ये अच्छे से जो गम है वो भी अच्छे से फिक्स हो जाएगा इससे और जो मेरे पास जो लाइट मैंने जो रेशम के धागे के ये फुलने हैं देखिए इस तरह से मैं इसको ये हैंग करने के लिए अगर आप इसको स्टिक कर सकते हैं आपको स्टिक करने का भी बहुत आप इसमें ना लगाएं फुलने ही लगाएं लास्ट छोटा सा लग ले के तो वो भी अच्छा लगता है स्टिक करने का काम आ जाएगा लेकिन मैंने इसको हैंग किया है आप इसको कहीं पे भी हैंग कर सकते स्टिक करने की आवश्यकता नहीं है इसमें देखिए मैंने इसको सेलो टेप से फिक्स कर लिया है तो बहुत ही खूबसूरत सा मेरा ये तैयार हो गया क्योंकि मैंने इसमें सेलो टेप लगाया इसलिए बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और ये ऐसे कैसे ही रहेगा एक्ट बहुत ही ख़ूबसूरत सा डेकोरेट हमारा तैयार है आप इसे कहीं भी लगाएं लिविंग रूम में ड्राॅइंग रूम में तो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल चिपेस्ट दिखे, कलरफुल अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो से गुड बाय नेक्स्ट वीडियो के लिए